नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के। आज हमारा पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे, बहुत तेज़ी से हम लोग पूरा कवर करेंगे, ठीक है। फास्ट रिवीजन होगा, वन लाइनर क्वेश्चन की तरह हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग बस 5-6 मिनट में इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे यूरोपीय कंपनियों में, सबसे पहले पुर्तगीज आए थे। पुर्तगीज कब आए थे, 1498 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद डच आए थे। डच कब आए थे, डच जो आए थे 1602 ईस्वी में डचों का आगमन हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश आए थे 1608 ईस्वी में, जहांगीर के टाइम में। उसके बाद डेनिश आए थे 1616 के आसपास। उसके बाद फ्रेंच आए, ठीक है, 1664। उसके बाद स्वीडिश आए, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए और सबसे लास्ट में पुर्तगीज का जाना भी हुआ, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगीज आए 1498, वास्को डी गामा का आगमन हुआ, और सबसे बाद में पुर्तगीज वाले ही यहाँ से गए थे, ठीक है। गोवा तक, गोवा में बहुत लंबे समय तक इनका शासन रहा था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो यह स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है, कोलबर्ट को। भारत में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसूरा में। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है, तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसने औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी, तो यह थी पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने हुगली को अड्डा बनाया था, तो यह था पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया हुआ था हुगली को, ठीक है। हुगली उस समय एक बंदरगाह था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो कोलकाता के संस्थापक जॉब चारनाक थे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी सीजीएल में बहुत बार ये पूछा गया है। किसके नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था, डुप्ले के शासनकाल में। डुप्ले के नेतृत्व में ही 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था फ्रांसीसियों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहाँ लगाया था, मछलीपट्टनम में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे, तो डच थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा काली तट पर कब पहुंचा था, कालीकट के तट पर यह पहुंचा था 1498 ईस्वी में, सबसे पहले यही पहुंचा था, ठीक है, समुद्र के द्वारा। वास्को डी गामा का काली तट पर किसके द्वारा स्वागत किया गया था, तो इसका स्वागत किया था जमोरिन ने, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी प्री में भी यह पूछा गया है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था, कोचीन में। और भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो कर्नाटक युद्ध, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, वह अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था, इसके फलस्वरूप प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था।
यहाँ पर कुछ सूची मिलाए हुए हैं, इसको आप लोगों को याद करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके द्वारा अंत हुआ था इसका, तो एक्स ला चैपल की संधि हुई थी जिससे इसका अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में यह युद्ध जो था अनिर्णायक था, मतलब इसका निर्णय नहीं हो सका था कि किसकी जीत हुई है। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की, डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी फ्रांस का था, ठीक है, इसी ने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किसे प्राप्त हुआ, लीवेंट कंपनी को, यह एक ब्रिटिश कंपनी थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, उस समय अकबर बादशाह था, लेकिन जब वहाँ से सर टॉमस रो आया तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1605 में, और 1608 ईस्वी में जब वह आए तो उस समय जहांगीर था यहाँ का राजा, ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, जहांगीर के शासनकाल में भारत में कारखाना स्थापित किया गया। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था, पुर्तगालियों से, तो पुर्तगालियों का अधिकार था सबसे पहले बम्बई पर, उसी से बम्बई को प्राप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर यह चैप्टर हमारा पूरा होता है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था, पुर्तगालियों से, तो पुर्तगालियों का सबसे पहले बम्बई पर अधिकार था, उसी से ब्रिटिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कि यहाँ पर शासन कर रही थी, बम्बई को प्राप्त किया था, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोगों का समाप्त होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैप्टर वाइज मैं आपका फास्ट रिविज़न कराऊँगा, ठीक है, जिससे कि मॉडर्न हिस्ट्री आपका बहुत जल्दी से कवर हो जाएगा, ठीक है, और एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री भी मैं कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ जियोग्राफी भी, ठीक है, पॉलिटी भी। तो आप बने रहिए चैनल के साथ सब्सक्राइब करके, ठीक है, और डेली वीडियो देखते रहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।